बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माहजिबी लेक्चर बॉटनी। आज का जो हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसका दूसरा नाम है लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन लैंड और सॉइल इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और लिथोस्ट्रेफेरिक इकोसिस्टम। जो हमारी ज़मीन के ऊपर मौजूद है, जो खुश्की के ऊपर मौजूद है, उस इकोसिस्टम को हम लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम का नाम देते होते हैं। नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ द लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर, टेम्परेचर, एयर। तो इन चार कंपोनेंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स को। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रिसीव प्लेंटी ऑफ लाइट एंड द सॉइल प्रोवाइड अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है, न्यूट्रिएंट्स हमें ज़मीन से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास लाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर इज़ लिमिटेड ऑल्सो एंड वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन प्लेसेज एंड इन टाइम। तो हमारे पास वाटर जो है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर मौजूद है और इसके अलावा हमें हर जगह पर वाटर रिजर्वायर जो है वो एक जैसे नहीं मिलते होते हैं। टाइम टू टाइम भी वाटर की जो अमाउंट है वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस भी वाटर की अमाउंट जो है वेरी कर रही होती है। टाइम टू टाइम को आप इस तरह समझ सकते हैं, कभी बारिश है तो वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, बारिश नहीं है तो वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। प्लेस टू प्लेस कहीं पर आपको पानी मिलता है, लाइक डेजर्ट्स हैं वहाँ पर आपको पानी की मिकदार बहुत कम मिल रही होती है। टेम्परेचर को अगर हम देखें तो फेवरेबल टेम्परेचर्स आर वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लैंड इन प्लेस एंड इन टाइम। बिल्कुल इसी तरह से हमें टेम्परेचर भी हर जगह पर एक जैसा नहीं मिलता। जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम पोल्स की तरफ जाएं तो एवरेज टेम्परेचर इज़ बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, वाइल इन टेम्परेट जोन्स ओनली ड्यूरिंग द सर्टन सीजन ऑफ ईयर इट इज़ क्वाइट फेवरेबल। टेम्परेट जोन में कुछ सीजन्स के अंदर, जैसे बाहर का मौसम है तब टेम्परेचर फेवरेबल है, या कुछ फसलों के लिए गर्मी में टेम्परेचर फेवरेबल होता है, बट इन ट्रॉपिकल जोन यूनिफॉर्मली वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट इज प्रेजेंट। लेकिन जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पर मौसम तकरीबन एक जैसा ही रहता है, मॉइस्ट रहता होता है। एयर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एयर इज़ कॉन्स्टेंट मोशन सो इट्स कंपोजिशन इज़ मोर यूनिफॉर्म। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ मच कॉन्स्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिशियल फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये तकरीबन कॉन्स्टेंट रहती है, इनकी अमाउंट जो है वो इनकी अमाउंट चेंज नहीं होती। अडाप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी प्लांट्स ने क्या क्या अडाप्टेशन कर लिए, एनिमल्स ने क्या क्या अडाप्टेशन की टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स शिफ्टिंग फ्रॉम वाटर टू लैंड डेवलप various type of adaptations for land habitat. For example, first one is supporting tissues. Plants or animals ने अपने supporting tissues बना लिए ताकि land ecosystem के ऊपर survive कर सकें। For example, अगर हम plants की बात करें तो उन्होंने अपने अंदर vascular bundles, इन्हें xylem और phloem बना लिए, और animals के अंदर हम देखते होते हैं हमें proper skeleton मिल गया है सपोर्ट करने के लिए, विच सपोर्ट देम ऑन लैंड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी इस तरह से एनिमल्स की भी सपोर्ट हो रही है और प्लांट्स की भी जो है वो सपोर्ट हो रही है। उसके बाद हम देखते होते हैं अगली अडाप्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो प्लांट्स ने और एनिमल्स ने अपने बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे अडाप्टेशंस पैदा कर ली ताकि उन्हें अपने आप को डेथ से बचा सके। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जब हम इंसेक्ट्स को देखते हैं, दे यूज़ मेटाबॉलिक वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो पानी की अगर कमी हो जाए तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू जो है, मेटाबॉलिक वाटर के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट को जो है पूरा कर रही है। मैनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रिलीज कंसनट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व द वाटर। इसके अलावा जब बॉडी में पानी की कमी हो और बाहर भी वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तो फिर एनिमल्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन की सूरत के अंदर वाटर को जो है वो रिलीज़ करते हैं और पानी काफ़ी हद तक फिर इस तरह से कंजर्व हो जाता है। ग्रास हूपर्स एंड सर्टन अदर मैमल एक्सक्रीट क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड टू सेव द वाटर। इसके अलावा हम बाकी कुछ इंसेक्ट्स में देखते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं ताकि पानी का जो ज़िया है वो कम से कम हो। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द अडाप्टेशंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर प्रोवाइडेड विद बार्क एंड प्रोटीन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। पानी को ज़ाया करने से बचाने के लिए उनमें बार्क मौजूद है, उनमें क्यूटिन मौजूद है। इन सेवरल प्लांट्स स्टोमेटा आर डीप सो एज टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा एपिडर्मस के ऊपर नहीं होते हैं, ना ही अलॉन्ग द एपिडर्मस होते हैं, दे आर डीप इन साइड द एपिडर्मस। सेवरल प्लांट लाइक कैक्टस एंड यूफोरबिया कंजर्व वाटर इन देयर स्टेम एंड फ्लैशी लीव्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट।
तो कुछ प्लांट जैसे कैक्टस वगैरह हो गए, उनकी फ्लैशी स्टेम है तो उसमें वो पानी को कंजर्व कर लेती हैं। इन सेवरल प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस और नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, क्योंकि लीव्स के अंदर से पानी का जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो तेज़ होता है, तो इवेपोरेशन को कम करने के लिए उनमें नीडल लाइक लीव्स मौजूद हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन इज होम्योस्टेसिस। द मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन वॉज डेवलप बाय द लैंड प्लांट्स एंड एनिमल बाय डेवलपिंग बार्क एंड स्किन रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट्स ने अपने अंदर बार्क बना ली, एनिमल्स में स्किन मौजूद है जो होम्योस्टेसिस करवाने में इनकी हेल्प कर रही है। नाउ वी हैव सम डिविजन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को चार बेसिक इकोसिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारे पास तीन तरह के हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो इस तरह से कुछ हमारे पास इकोसिस्टम्स आ गए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो कहते हैं पाकिस्तान हैज़ वैरायटी ऑफ सीजन क्लाइमेट रेंजिंग फ्रॉम हॉट ड्राई इन प्लेन्स टू कोल्ड स्नोई ओवर माउंटेन्स, यानी हमारे पास हॉट ड्राई इन्वायरमेंट भी है, कोल्ड जो है वो स्नोई इन्वायरमेंट भी मौजूद है। कुछ पाकिस्तान के अंदर जो इकोसिस्टम्स हैं वो ये एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो आपको शोरगान और नीलम वैली में मिलता है, कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट जो आपको नदरन माउंटेन्स ऑफ काहान, मालम जब्बा, दीर और कैलाश में मिलता है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम गिलगित एंड कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कलात में मिलता है। डेजर्ट इकोसिस्टम हमें मिलता है वेस्टर्न पंजाब में यानी मियांवाली बखर में, सदरन पंजाब यानी फोटाबास, भावलपुर, भावलनगर, यजमान, भावलपुर, खानपुर और रहीमयार खान में, और कुछ आपको डेजर्ट्स मिलते हैं सिंध में। अगर हम टंड्रा इकोसिस्टम की बात करें तो टंड्रा इकोसिस्टम आपको कराकरम और हिंदूकश की पहाड़ियों के अंदर मिलता है। तो ये कुछ इकोसिस्टम की लोकेशन है। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि पाकिस्तान में इकोसिस्टम जो हैं वो ये जो आपके पास बायोम्स हैं कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका सीज़न क्या है, वहाँ पर किस किस्म के एनिमल्स और किस किस्म के प्लांट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की। इन पाकिस्तान टेम्परेट मॉइस्ट कंडीशंस आर प्रेजेंट इन नीलम वैली एंड शोरगान, ऊपर वाले टेबल के अंदर हमने देखा। दीज फॉरेस्ट ओरिजिनली कवर्ड इंडिया, साउथ एशिया और ईस्ट नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी पाकिस्तान के अलावा इन ममालिक के अंदर भी आपको टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीज़न कैसा है, स्लाइटली फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है। द रेनफॉल इज़ नॉट नियरली एज कॉन्स्टेंट एंड देयर आर प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई सीजन, दैट मीन डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर सीजन, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कॉन्टीन्यूस नहीं होती है, तो उस हिसाब से सीज़न भी जो है वेरी कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको समर सीज़न भी मिलता है, यहाँ पर आपको विंटर सीज़न भी जो है वो मिल रहा होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न द ट्रीज़ कैन नॉट गेट इनफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू कंपनसेट इवेपोरेशन फ्रॉम देयर लीव्स, एज अ रिजल्ट द प्लांट हैव अडॉप्टेड टू द ड्राई सीज़न ऑफ शेड बाय शेडिंग देयर लीव्स। तो आमतौर पर ये कहते हैं कि ड्राई सीज़न के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ हो रहा होता है और एब्जॉर्प्शन जो है पानी की कम होती है, तो इस सूरत हाल से बचने के लिए जैसे ही ड्राई सीज़न आता है वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर हो रहा है थ्रू स्टोमेटा, देयर बाय मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। इफ़ द रेनफॉल टू रिटर्न ऑन स्केड्यूल द ट्रीज डिले फॉर्मिंग न्यू लीव्स अनटिल द ड्राउट पासिस। और जो कहते हैं नया मौसम आ रहा होता है तो जब तक ड्राउट सीज़न ख़त्म नहीं हो जाता ट्रीज़ जो हैं अपने अंदर से पत्ते नहीं निकालते। एवरेज रेनफॉल अगर हम देखें तो यहाँ पर 750 से 1500 मिलीमीटर तक है। टेम्परेचर कम अज़ कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। प्लांट्स हमें यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं, टेक्सास बकेटा, पाइनस वेलिशियाना, बर्बेरिस लाइसियम, यूली विद हाइट ऑफ 8 to 30 मीटर्स, मैनी हर्ब्स एंड श्रब्स हैव हाइट ऑफ 5 मीटर, सम ग्रासेस, फर्न्स एंड अदर हर्बेशियस प्लांट्स मेक अप फील्ड लेयर, ऑल एट द बॉटम और फ्लोर लेवल मैनी मॉसिस, लीवरवॉर्ट्स एंड लाइकन्स कवर्ड विद लिटल लेयर्स आर प्रेजेंट। तो ये हमारे पास यहाँ की वेजिटेशन है। एनिमल लाइफ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मकैका, मुलेटा जिसको आप प्रेसेंस मंकी भी कहते हैं, सोलनोटस टाइबिटेनस जिसको आप ब्लैक बियर कहते हैं, फीलस बेंगलेसिस, लेपर्ड कैट, डियर, स्नो वोल्स एंड वोल्स विद वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट द लीटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड अर्थफॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट।
And what is the soil condition of this area? The soil of temperate deciduous forest is grayish brown in color, क्योंकि यहाँ पर humus बहुत ज़्यादा है. Every fertile and rich in organic matter with maximum water holding capacity. और जहाँ पर humus ज़्यादा होता है वहाँ पर soil की water holding capacity भी ज़्यादा होती है. Human impact क्या है, हम क्या असरात डाल रहे हैं इन forest के ऊपर? On temperate deciduous forest, large mammals such as black bear, deer, wolves, bobcats and mountain lions were formerly abundant, but the predators have been largely wiped out by the humans. तो हमने जो है वो बहुत ज़्यादा animals को नुकसान पहुँचा के कम कर दिया है. Need of lumber and its use in agriculture has reduced many deciduous forests from the wood world. इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे पास लकड़ी हो जिसके ज़रिए हम इमारतें बना सकें, फर्नीचर तैयार कर सकें, तो उस मकसद के लिए हम इन जंगलों को काटते हैं. तो यह हमारे पास हो जाता है temperate deciduous forest. Next आ जाता है coniferous alpine and boreal forest. तो लोकेशन इनकी पाकिस्तान में क्या है? दिस फॉरेस्ट आर इन अपर कागान, धीर एंड कैलाश, मालम जब्बा इन सवात वैली. वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें, दे आर स्ट्रेच अक्रॉस द यूरेशिया, यूरेशिया इन यूरोप और एशिया का इलाका जो मेल लाइन, जैसे टर्की हो गया, एंड नॉर्थ अमेरिका, कैनेडा, जस्ट साउथ ऑफ द टंड्रा. तो तेगा आपके पास आता है इसके अंदर, तेगा एंड बोरियल फॉरेस्ट. तेगा क्या है? नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो एट द तेगा, यानी ऐसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो नॉर्दर्न साइड के ऊपर है. हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ता है. कॉमन कंडीशंस देगा आर हार्शर देन दोज इन द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. द विंटर आर लॉन्गर एंड कोल्डर एंड द ग्रोइंग सीजन इज शॉर्टर. सर्दियाँ बढ़ जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, साथ ही ग्रोइंग सीजन जो है वो इनका कम हो जाता है. वार्म वेदर में हम देखते हैं, द फ्यू मंथ्स ऑफ वार्म वेदर इज ऑल आर टू शॉर्ट टू अलाउ ट्रीज द लग्जरी ऑफ री ग्रोइंग. तो यहाँ पर वार्म सीजन बहुत कम आता है तो ट्रीज़ को कम टाइम मिलता होता है अपने आप को ग्रो करने का. लीव्स एंड वैक्सीनेटल्स एज अ रिजल्ट एवर ग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज पॉपुलेट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली विद स्मॉल वैक्सीनेटल्स. उनके ऊपर नीडल्स मौजूद हैं बट वैक्सीनेटल्स आर प्रेजेंट. द वैक्सी कोटिंग एंड स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ नीडल्स रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ एंड लीव्स रिमेन ऑन द ट्री ईयर अराउंड. तो इसमें यह होता है कि पत्तों के ऊपर से जो है वो कम प्रोसेस हो रहा होता है ट्रांसपीरेशन का, इनके जो वो हैं नीडल्स हैं वो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस करते हैं और पत्ते फिर पूरा पूरा साल जो है इनके ऊपर लगे रहते हैं. अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट के कॉनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड कॉल्ड द अल्पाइन वाइल विच आर प्रेजेंट एट द हाई लैटीट्यूड दे आर नोन एज द बोरियल. सिर्फ और सिर्फ एरिया का फ़र्क है. स्नो कवर यहाँ पर कैसे है? देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट कवर ऑफ स्नो करेक्टराइज बाय द लॉन्ग स्फीयर विंटर. टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, यानी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर माइनस के अंदर टेम्परेचर वहाँ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, यानी यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत लो होता है. एनिमल लाइफ आपको यहाँ पर कैसे मिलती है? बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज़ मच लो. लार्ज मैमल बाइसन्स, वुल्फ, ब्लैक डियर और मार्को पोलो शीप एंड स्मॉलर एनिमल्स सच एज स्मॉल कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो शू हेयर, वुलवेरियंस, क्रॉस बिल्स आर प्रेजेंट. प्लांट लाइफ आपको यहाँ पर मिलती है वैलीस पाइनस वेलिचियाना, पाइनस रॉक्सपस जाए, एबीस पिंड्रो, पीसिया सिमेंथ्रा, सेड्रस देवदारा आर प्रेजेंट. ह्यूमन इम्पैक्ट ड्यू टू सिवियरिटी ऑफ क्लाइमेट एंड रिमोटनेस, यानी बहुत दूर दूर होने की वजह से कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हमने कम नुकसान पहुँचाया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दे आर द मेजर सोर्स ऑफ लंबर फॉर कंस्ट्रक्शन. सो मच ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर इन द वर्ल्ड. कंस्ट्रक्शन के लिए इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे जंगलात को हमने एलिमिनेट कर दिया. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर के अंदर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे. यहाँ तक आपके पास कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस करें. बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.